जीवनानगर के राजा मूल नायक श्री पाशुना भगवान के चरणों में कोटि कोटि अन्ना श्री आचार्य श्री राजेंद्र सुरेश्वरी महाराज के चरणों में कोटि कोटि अन्ना आचार्य श्री रामचंद्र सरस्वती महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना पुण्यास्वर श्री भद्रंकर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना मर्द रत्न घोड़वार के गौरव जय हिंदी साहित्य दिवाकर परम पूज्य आचार्य देव श्री रत्न सेन सरस्वती महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना यहाँ उपस्थित साकन शाखा को प्रणाम। एक गांव में तीन मित्र रहते थे। वह कमाने के लिए देशावर गए। उनको रहने के लिए मकान चाहिए था। एक मकान मालिक ने उनको कहा कि मैं आपको एक एक घर देता हूँ, लेकिन उनको बदले में कोई भाड़ा नहीं चाहिए। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं कभी भी तुमको बोलूं कि यह घर खाली कर दो तो आपको सिर्फ 10 मिनट में यह घर खाली करके जाना पड़ेगा। जो भी घर में सामान रह जाएगा वो सब मेरा हो जाएगा। तो तीनों मित्रों ने यह शर्त मंजूर की। पहले वाले ने तो अपनी सारी सेविंग से अपना पूरा घर को सजा दिया। फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह सब लाके अपने घर को डेकोरेट करने लगा और कोई भी पैसे सेविंग नहीं किए। और दूसरे मित्र ने थोड़े पैसे से पूरा मकान सजाया और थोड़े पैसे से सेविंग की। और तीसरे ने कुछ सजाया नहीं, सब पैसे को सेविंग करता रहा। फिर 20 साल पूर्ण हुए। 20 साल के बाद वो मकान मालिक आया। उसके घर पे मेहमान आए हुए थे। उनको ठहरने के लिए जो तीन घर दिए गए थे उन तीनों मित्रों को कहा कि आप इस घर को छोड़ के चले जाओ, 10 मिनट में आप जल्दी से जल्दी खाली करके जाओ, नहीं तो ये सब माल मेरा हो जाएगा। तो सब पहले मित्र ने वो सोचने लग गया कि फ्रिज लोग के वॉशिंग मशीन लोग के टीवी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपने थोड़े जो भी गति तकिए थे उठा के जल्दी चला गया। बहुत दुखी हो गया कि मेरा सामान तो रह गया, मैं तो सिर्फ सोचते रह गया, मेरे साथ तो कुछ नहीं आया। फिर दूसरे वाले ने थोड़ी सेविंग की थी, वो सेविंग उठा के लेकर चला गया। वो थोड़ा ऐसा सोचा कि अच्छा हुआ मैंने सेविंग की, इधर मेरे को भी पहले वाले जैसे सब खाली हाथ जाना पड़ता। फिर तीसरे वाले ने जो सेविंग की थी पूरी सेविंग करके गया, तो उसको तो खुशी उसने उससे खुद का मकान बनाया, खुद का सब किया, तो खुद का बन गया तो खुशी रहने लगा। आपको पूछता हूँ इस तीनों में से कौन सुखी है ज्यादा? तीसरा वाला। और इसका मीनिंग है कि हमारा आयुष्य हमको एक मिनट भी नहीं देगा खाली करने के लिए। हमारी मौत रंगराज हमको एक मिनट भी नहीं देगा। कब हमारी मृत्यु होगी ये हमको पता नहीं है। अयोध्या मोनी का एक कविता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं नहीं जानता। इसका मतलब मैं ये जानता हूँ कि मेरी मृत्यु एक दिन आने ही वाली है, लेकिन यह नहीं जाता वो कब आएगी और हमको लेकर चल जाएगी। मैं साहिब जी के पास कोयम्बतूर में मिला था। उनके पास मिलकर मैं उनके साथ अच्छे से रहने लगा। ओली की उनसे आशीर्वाद के एक एमिल किया, दूसरा किया। मेरे तो हालत टाइट हो गई थी कि एमिल कर करके लुका भा नहीं रहा था। तो ये साहिब जी के ऐसे आशीर्वाद थे, रोज वास्केप के कारण मेरे को ऐसा प्रबल मिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अभी हो जाएगी। गुरुदेव के आशीर्वाद और परमात्मा की असीम कृपा से मेरी ओली हो गई। और फिर संग में मैं 4 दिन रहा था। फिर साहिब जी का विवाह चेन्नई के और हुआ। बीच में लॉकडाउन पड़ गया, कोरोना का वायरस घूम रहा था। उसमें मैं घर पे बैठ के कुछ ज्ञान पढ़ना कुछ हो नहीं रहा था। मम्मी का था कि सुबह 9 से 10 और 3 से 4 समय होनी, इधर खाना नहीं मिलेगा। मैं सुबह और उनके साथ लॉकडाउन में बड़ी शांति
शांति वंदितु आदि सूत्र किए। फिर साहेब जी का फोन रोज होता था, मैं रोज बात करता था उनसे। वो मेरे को बोलते जल्दी जल्दी आ, तुम्हारी याद आ रही है। वो उनकी याद रखती, मेरे को भी याद आ रही थी। लॉकडाउन था, गाड़ी बस तो सब बंद थी, तो मैं कैसा हूँ साहेब जी को पूछा। साहेब जी ने एक हमारे पास एक अंकल रहते थे, उनका नाम था सुरेश अंकल, उनका नाम भी सुरेश अंकल ही था। सुरेश अंकल ने मेरे को बोला कि मैं चेन्नई जा रहा, तू भी साथ में आ। मेरे को साहेब जी ने बोला तेरे को आना है तो मेरे साथ आ। मैंने उस टाइम रात को मम्मी तो मेरी मान गई थी, मम्मी ने बोला था अभी तू जा रहा है तो कुछ पाकर ही आना और अच्छे मार्क अच्छा सीख के ही आना। इतने उनको तो ऐसा था कि तू उधर जाके मुहूर्त निकल भी आएगा तो हमारे घर पे आनंद ही आनंद रहेगा। उन्होंने बोला था तू मुहूर्त लेके मत आना घर पे, ऐसे आशीर्वाद थे मम्मी के। मैंने रात को पप्पा को मनाया कि उधर भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं भी उधर रह लूंगा, इतना सारे सदे भैया वगैरह सब है तो मेरे को संभाल देंगे। पप्पा को मनाया, फिर पीछे सुबह मनाया कि उनका थोड़ा शांत रहते हैं उस टाइम, तो उनको मनाया तो उन्होंने मेरे को आज्ञा दी कि तू रह, जल्दी से जल्दी फिर से आ जाना। फिर मेरे को सुरेश भाई लेकर गए, सुबह सुबह 4 बजे मेरे को इधर लेकर गए सीधा। मैं 1 बजे पहुंचा उधर के भावना आंटी ने मेरे उनके घर पे, मैंने भोजन करके मेरे को ऐसा हो रहा था जल्दी से जल्दी जाओ, आधा खाना खा लिया। फिर मैंने बोला अभी नहीं खाना, साहब जी को मिलूंगा फिर ही, बाद में शाम को खाऊंगा। खाने के पहले तो मेरे को साहेब जी के दर्शन करने, साहेब जी के दर्शन के लिए मैं गए तो साहेब जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। उनको गुरु वंदन करके तो फ्रेश होने गया। उनके पास रहते रहते रोज की 10 सामायिक करता था मैं, 10 सामायिक में 8 सामायिक करता था और प्रतिगमन सुबह और शाम का प्रतिगमन करता था। उनके पास रहते रहते शांति 4 प्रकरण सिखाए, जो डायला जी ने बोला इतना सारा सीखा वो सब मैंने सीखा है, उनके पास रहते। मैं उन्होंने बोला कि अभी तेरे को दीक्षा लेना है या नहीं, मैंने बोला साहेब जी थोड़ा थोड़ा भाव तो है लेकिन थोड़ा डर लगता है दीक्षा लेने में, इतना व्यय करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला तू धीरे धीरे सीख जाएगा, धीरे धीरे करते करते तू आगे भी बढ़ जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा तू कैसे आगे बढ़ गया। वैसे वैसे दिन आगे बढ़ने लगे, थोड़े थोड़े अभ्यास से रोज की सामायिक इतना करते साहेब जी के पास अच्छे से रहने लगा। तो पप्पा का फोन आता था कि कब आ रहा है कब आ रहा है, मैं बोलता अभी आता हूँ कभी आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आपको टेंशन आ रहा तो उधर ही रह के मेरे को फोन कर देना, मैं बात कर दूंगा तो आपको शांति मिलेगी। ऐसे फोन करते करते साहेब जी ने बोला तू अभी दीक्षा के लिए ऐसा लगता है कि तू तैयार हो गया है। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं तो कुछ रेडी तो नहीं हुआ, साहेब जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, साहेब जी ऐसे बोल रहे तो ऐसा लग रहा है वो तो झूठ नहीं बोलते, वो तो सही बोलते हैं, वो सत्य ही बोलते हैं। तो मेरे को लगा वो साहेब जी बोल रहे तो मेरे वो मेरी मन की बातें पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है। तो साहेब जी ने मेरे को बोला अभी हम जो जो करते हैं वो तेरे को सीखना है, ओगा कैसे बांधना, पात्र कैसे बंद करने को, कैसे रात को बिना पंखे के सोना, कैसे सोना, वो पहले मैंने स्टार्टिंग में सोना सीखा, रात को बिना पंखे में संतारे के ऊपर सोना सीखा। पहले दिन तो सोया तो रात को देर रात को नींद ही नहीं आ रही थी। मैं 3 बजे उठ के साहेब जी को बोला, साहेब जी को उठाया ने बोला अभी मेरे को नींद नहीं आ रही, इधर सुबह प्रतिगमन नहीं हुई ला। मैं साहेब जी को बोला अभी तो मेरी हाईलाइट ट्रेनिंग हो गई है, सीधा मैं जाके उधर सते भैया के रूम में जाके सो गया पंखा चालू करके। उस टाइम कोई ट्रेनिंग नहीं थी तो हमको पंखे के अलावा नींद नहीं आती थी क्योंकि 12 साल तो मैं पंखे में ही सोया था। इसलिए उन्होंने बोला कि तू रोज सोएगा तो पता चलेगा। तो दूसरे दिन तीसरे दिन, क्योंकि तीसरे दिन मैं रोज सुबह 4-4 बजे उठता था, 4 बजे उठता था सुबह और 10 बजे रात को सोता था। दोपहर को तो सोना ही नहीं, बोला साहेब जी ने बोला दोपहर को सोना ही नहीं,
थोड़ा टाइम हमारी आधी जिंदगी की सोने में चली जाती है, आधी जिंदगी सोने में चली जाती है, थोड़ा तो समय निकालना चाहिए अध्ययन करने में, थोड़ा समय निकालना चाहिए पूजा पाठ करने में, समय करने में, प्रतिमा करने में, समय करने में, सब में टाइम तो रहना चाहिए। सो जाएंगे तो टाइम कैसे मिलेगा। मेरा दोपहर को सोना बंद हो गया था तो भी मैं घर पे दोपहर को सोता ही नहीं था, क्योंकि हम तो स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के बाद हमको 4 बजे आते थे, हमको तो नींद ही नहीं आती थी, उधर जाके नींद नहीं आती थी, लेकिन पढ़ते थे तब तो नींद आ जाती कि अभी घंटा आ गया पढ़ते पढ़ते। तो भी सर जी बोलते ये पढ़ेगा तो ही तो आगे बढ़ेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, तो पढ़ेगा नहीं तो डबल हो जाएगा, कुछ सीखेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा आगे, ऐसे ऐसे बोल के मेरे को प्रेरणा देने लगे, अच्छी से अच्छी वैराग्य परिदेशना देने लगे, अच्छी से अच्छी हित शिक्षा देने लगे। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि साहब जी इतना बोल रहे, मेरे को भी ऐसा भाव आने लगे कि साहब जी कैसे रहते होंगे। साहब जी ने 45 साल हो गए दीक्षा के, मैं सोचने लग गया ऐसे 45 साल में, 45 साल तक दीक्षा के 45 साल हो गए, बढ़िया हो गया, कंटिन्यूस एकासना चल रहे दीक्षा से अभी तक, कंटिन्यूस एकासना चल रहे, शुद्ध पंचम के उपास चल रहे। साहब जी तो बिहार में भी बिहार करके भी उपवास करते हैं, पार्ले में भी बिहार करके ही गा पड़ते हैं, ऐसा सब है। तो उनको देख के हमको अच्छा लगने लगा। तो मैं फिर नेक्स्ट सुबह जल्दी उठते थे 4 बजे, तो रात को जल्दी से जल्दी नींद आ जाती। तो एक बार संतर में सो के देखा, सोया तो सुबह सीधा नींद खुली। साहब जी ने बोला तेरे को तो कमाल है, तेरे को भगवान के ऐसे आशीर्वाद है कि तू तो आराम से सो गया, अभी तेरे को रोज सोना है। मैंने साहब जी को बोला साहब जी ठीक है आपकी आज्ञा तहत थी, मैं सो उधर ही सोऊंगा, मैं पंखे में नहीं सोऊंगा। साहब जी ने बोला पंखे में सोते हैं तो वहां पर के जीव मरते हैं, सब जीव मरते हैं, इलेक्ट्रिकल के जीव मरते हैं, अपका के जीव मरते हैं, भाव का के जीव मरते हैं, देव का के जीव मरते हैं, वनस्पति का के जीव मरते हैं, सब जीव मरते हैं। तो साहब जी ने, मैंने बोला ठीक है साहब जी मैं अभी से संतारे पे सोऊंगा। संतारे पे रोज सोने लगे, सुबह 4 बजे उठ के सामयिक पति आदि करने लगे। तो साहब जी ने मेरे को होगा बांधना सिखाया, होगा बांधना सिखाया, तो रोज ट्रेनिंग देते थे। मैं ना स्थूल भद्रमा सर को होगा बांधता और स्थूल भद्रमा सर आचार आचार के बांधते, हमको तो रोज ट्रेनिंग से मेरे को होगा बांधना सीख गया, पात्र बांधना सीख गया, सब सीख गया। तो सर जी ने बोला अभी तू सीख ही गया तो जल्दी से जल्दी संयम ले ले, तेरे मम्मी तो एकदम तैयार है, मम्मी तो बोलती है तू अभी के अभी दीक्षा ले लेगा तो भी मेरी सम्मति है, ऐसे मम्मी के भाव है, ऐसे मम्मी के भाव है। तो मेरे को मम्मी के आशीर्वाद और गुरुदेव के आशीर्वाद और परमात्मा की असीम कृपा से मैं आगे बढ़ने लगा, और मुझे रहते रहते दीक्षा के भाव आ गए, दीक्षा के ऐसे दीक्षा ऐसी पालने लगे साहब जी कि मेरे को देखते देखते ऐसा लगा कि साहब जी इतने अच्छे से पालते तो मैं भी जल्दी से जल्दी संयम लूंगा और उनकी तरह मैं संयम अच्छे से पालूंगा। उन्होंने मेरे को बोला तू अभी तू संयम के लिए तू एकदम तैयार है, तेरे को ना संयम के सब सूत्र से संयम में जो जो वंदितों के बदले जो संयम के जो सूत्र बोलते हैं वो तेरे को सीखने हैं, ऐसा मेरे को बोला। तो मैंने बोला साहब जी को कि मेरा अजित शांति बाकी है तो मेरे को पहले अजित शांति करना है, क्योंकि मम्मी ने बोला है तू अजित शांति पहले सीख। तो मैंने साहब जी से पहली गाथा लेके सीखा और उनके ऐसे आशीर्वाद थे, रोज की दो तीन गाथा आराम से हो जाती और मेरे 11 दिन में अजित शांति हो गई। मम्मी तो खुश हो गई कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है और मेरे परिवार जन भी खुश हो गए कि उधर जाके अच्छा व्यवहार और अच्छा पढ़ाई कर रहा है, रहते रहते अच्छा अभ्यास कर रहा है। तो मैं जीव चार नव दंडक लघु संग्री सीखने लगा, वो भी हो गई और साहब जी का चौमासा पूरा हो गया। चेन्नई से विहार चालू होने वाला था, चेन्नई से विहार था, पहले दिन तो साहब जी ने बोला तो अभी संयम लेने वाला है तो तेरे को विहार की ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। तो मैंने पहले दिन विहार किया, 10-15 किलोमीटर का विहार था, वो विहार हुआ, ऐसे ऐसे विहार होने लगा।
सुबह सुबह तीन तीन बजे विहार हो रहा था तो मेरे को तो एक दिन चक्कर आ गया कि मैं ऐसे नहीं होगा विहार नहीं होगा ऐसे में गाड़ी उधर उनके पास एक गाड़ी थी उनकी उनका सामान उधर रहता था तो उन्होंने मेरे को उधर बिठा के विहार किया तो भी उनके ऐसे सब थे कि मेरे को आज तो गाड़ी में बैठा है लेकिन कल कुछ सही रही तबियत तो तेरे को विहार ही करना है गाड़ी में बैठेंगे तो पेट्रोल वेस्ट होगा और पैसे वेस्ट होंगे ऐसे ऐसे बोल के ऐसे बना के मेरे को बोले कि नेक्स्ट दिन से स्टार्ट होगा विहार फिर से तो तेरे को आगे बढ़ना है संयम लेना है तो ये सब ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। मैंने विहार स्टार्ट किया विहार में मेरे को अच्छा लगने लगा रोज सुबह विहार में हम चलते चलते अभ्यास करते थे सब रिवीजन करते थे रिवीजन नहीं किया तो सब फिर से भूल जाते तो मैं फिर रिवीजन किया था वो फिर से भूल गया तो साहब जी ने बोला तू अभी रिवीजन नहीं करेगा तो ऐसे ही हाल होगा तो मेरे को फिर से करना पड़ा तो मैंने बोला अभी फिर गिर करके मेरे को कंटाला लाने लगा तो साहब जी ने बोला तो अभी तू रोज रिवीजन करेगा तो कभी भी नहीं भूलेगा हमारे सूत्र भी रोज हम बोलते हैं तो हमारा पक्का हो गया तो हम याद नहीं करे तो भी हमको याद आ जाता है। साहब जी जब चौदस की रात होती है तो प्रतिगण होता है तब आचार्य मतलब खुद सकलात बोलते हैं मैं तो सोचते रह जाता हूँ कि 15 दिन में तो साहब जी ने रिविजन भी नहीं किया तो भी वो इतनी अच्छी सकलात क्यों बोल देते हैं। तो मैंने साहब जी को पूछा आप इतने अच्छे से सकलात कैसे बोलते हो मैं तो एक दो दिन सकलात रिविजन नहीं किया तो नेक्स्ट दिन तो मेरे को एक गाथा भी याद नहीं आती आपको तो 15 दिन के बाद भी याद आ जाती है। तो साहब जी ने बोला कि हमने पहले संयम के बाद एकदम अच्छी से अच्छी समय करके अच्छे से अच्छे सूत्र रोज भोंकने स्टार्ट किए तो हमारा ऐसा पक्का हुआ कि अभी एक साल भी नहीं करेंगे तो भी हमारा वो याद ही रहेगा भूलेंगे ही नहीं। रिवीजन मतलब होता है कि हम रिवीजन करेंगे तो ही हमारा सूत्र सब पक्के होंगे जो याद किए हुए 10 साल के बाद कोई पूछे तो हमको एक उसके पहले का शब्द भी नहीं पता होगा ऐसी हालत हो जाती है। तो हमारा रोज रिवीजन चालू था समय चालू थी करता करते शुद्ध पांचम आई। मैंने बोला ना साहब जी पांचम को क्या करते हैं उपवास करते सब साहब जी उपवास करते सब साहब जी करते तो पहले विहार में तो मैंने पहले फिर मेरे को देखा साहब जी बोला आपने उपवास किया तो मैं भी उपवास करूंगा आपकी प्रेरणा करो तो मैं उपवास करता हूँ आप जो बोलोगे वो मैं तब करूंगा आज। तो उन्होंने बोला अभी तू मत कर विहार चल रहा है तो तू एकाशना कर तो मैंने ठीक है बोलकर एकाशना किया। फिर हमें उधर से हम बैंगलोर पहुंचे बैंगलोर में पहुंचने के बाद अच्छी से अच्छी आराधना चलने लगी फिर से सूत पांचम आई। तो मैंने साहिब जी बोला पिछली बार तो मैंने एकाशना किया था लेकिन अभी मेरा मन एकदम बुलंद है कि मैं उपवास कर सकता हूँ। साहिब जी ने मेरे को आशीर्वाद दिए कि आज तू उपवास कर लेना लेकिन तू 12 बजे तक देखना तेरे को भूख लग गई तो तू एकाशना कर लेना मैं तेरे को पचकान नहीं दूंगा मैं 12 बजे के बाद तेरे को पचकान दूंगा। तो मैंने 12 बजे तक कुछ खाया ना पिया मेरे को अच्छा लगने लगा तो साहब जी को बोला कि मेरे को अभी अच्छा लग रहा है तो मेरे को उपवास का पचकान दे ही दो। उन्होंने मेरे को हाथ जोड़ के मेरे को पचकान दिया बांधने में मंदिर गया फिर उधर पचकान लेके फिर आया। तो मैंने मम्मी को फोन किया मम्मी को मैंने बोला कि मैंने आज उपवास किया है वो पहला उपवास था मेरा जिंदगी में मैं पैदा होने के बाद मैंने पहला उपवास किया था उस टाइम। तो मम्मी ने बोला था तू उपवास किया तो सुबह जल्दी से जल्दी वापस लेना नहीं तो तेरे को भंवर वगैरह आने लग जाएगी। तो मैंने बोला कि साहब जी के आशीर्वाद है तो क्या भंवर क्या कोई दुनिया भी हमें को हिला नहीं सकती। तो मैंने उपवास का पारना हुआ तो फिर उधर 1 महीना रहा उधर सब संपर्क हुआ उधर के जिनाले उधर बैंगलोर में 100 से ज्यादा मंदिर है उधर चिकपेट में 100 साल पूरे हो गए उधर तीर्थ बन गया वो उधर भी मेरे को दर्शन करने के लिए मेरे को लेकर गए। मेरे को पहली बार बैंगलोर घुमाया पहली बार बैंगलोर दिखाया कि उधर के मंदिर कैसे हैं कैसे आकृति है वो मंदिर की सब दिखाया कि ऐसे ऐसे हमारे भगवान हैं हमारे तीर्थंकर है कि
उन्होंने कैसा संयम पाला जो वो मोक्ष में चले गए, हमको भी मोक्ष में जाना है तो संयम लेना ही पड़ेगा। मोक्ष जाने के लिए एक ही एयरपोर्ट रेल है, वो एयरपोर्ट का नाम है संयम जीवन। संयम जीवन पालेंगे तो ही हम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकेंगे। जो भी मोक्ष में गए वो ज्यादातर संयम लेके ही गए हैं। ऐसे ऐसे देशना सुन सुन के मेरे को भाव आने लगे थोड़े थोड़े। फिर बैंगलोर से विहार हुआ बल्लारी के और बैंगलोर से हम विहार किया। विहार करते करते बहुत थक जाते थे, तभी सर जी बोलते तू बात करेगा तो तेरे को पता नहीं चल जाएगा कब ये उपासना आया कब ये जिनाला आया। बात बात करते मेरे को ऐसा लगा कि हम 2 मिनट में पहुंच गए, लेकिन हमको 3 घंटा लगा पहुंचने में। मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं 2 मिनट में 3 मिनट में पहुंच गया, क्योंकि बात करते करते हमारा ध्यान अलग था, विहार के और नहीं था, सर जी के रिविजन में बात करने में, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने में था। उनको एक साली बुजुर्ग मासा थे, उनको 500 से ज्यादा स्टोरी आती थी जैन की, तो मेरे को रोज आपको सुनाते थे, रोज वैराग्य की स्टोरी सुनाते थे। मेरे को भी बहुत अच्छा अच्छा ऐसे से साली पत्र की बन्ना जी की अयमुता मुनि की सबकी स्टोरी सुनाने लगे। मैं भी देखा कि वो ऐसे संयम लेके मोक्ष में गए तो मेरे को भी मोक्ष में जाना है। धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरे 5-6 महीने हो गए घर से, अभी तक 6 महीने हो गए थे। फिर विशेष में आई तो मैंने विहार में आई तो विहार में साहिब जी को बोला अभी मैं उपवास करता रहूंगा। साहिब जी बोला फिर से 12 बजे तक तेरे को देखना, तेरे को होगा तो करना। तो हमारे साथ बहुत सारे विहार की मंडली विहार ग्रुप सब साथ में थे। उन्होंने बोला ये बालक कैसे करेगा, ये तो इतनी छोटी उम्र में उपवास कैसे करेगा विहार में। तो हम उस पहले दिन हमकी ऐसी बात चल रही थी और नेक्स्ट दिन उपवास था। नेक्स्ट दिन मैं सुबह मैं रात को भगवान का नाम लिया और बोला कि मेरे को कल उपवास करना है, आप मेरे को आशीर्वाद देना। और मैंने विहार में मैं सुबह का प्रतिगमन नहीं करता था, क्योंकि हमको 3-3 बजे विहार स्टार्ट हो जाता था और हमको 2 बजे उठना पड़ता। फिर मैंने सोचा अभी शुद्ध 5 समय मैं उपवास कर रहा तो दोनों टाइम प्रतिगमन तो होना चाहिए, साहब जी ने बोला ऐसा। तो मेरे को मैं रात को भगवान का नाम लेके नौकर मंत्र गिनके भगवान को बोला कि आप मेरे को सुबह जल्दी उठाना कि मैं जल्दी से जल्दी प्रतिगमन करके विहार स्टार्ट करूं उपवास के दिन। तो मैं सुबह साहेब जी उठ गए थे, साहेब जी उठे थे 1 बजे और मैं उधर था 1:30 को उठ गया था। साहेब जी ने बोला अभी आधा घंटा सो जा, 2 बजे प्रतिगमन स्टार्ट करना। तो साहेब जी को ऐसा था कि अभी आज उपवास करेगा तो इसकी हालत टाइट नहीं होनी चाहिए, इसको ना अच्छा पोषण मिलना चाहिए। तो साहेब जी ने बोला आधा घंटा सो जा मैं तेरे को उठा दूंगा। मैं आधा घंटा सोया और साहेब जी ने मेरे को उठाया। पता नहीं हो अचानक मेरे को अपना नींद खुल गई और मैंने अपना प्रतिगमन स्टार्ट किया और दूसरे मासर ने किया। साहेब जी ने बोला तू आज प्रतिगमन कर रहा है ऐसा कैसे हो गया। मैंने बोला साहेब जी के आशीर्वाद थे, मैंने कल ठाना था कि मैं आज प्रतिगमन करके रहूंगा। सुबह 2 बजे मैं प्रतिगमन स्टार्ट किया, 3 बजे पूरा हुआ। उस टाइम 12 किलोमीटर विहार था, उपवास के दिन 12 किलोमीटर विहार था। उस टाइम मैं विहार करके साहेब जी ने बोला अभी थक गया होगा तो साथ में भोजन है तो भोजन कर ले। मैंने बोला आज उपवास करके रहूंगा। मैंने सुबह साहेब जी को बोला मेरे को उपवास का बचकान दो। साहेब जी ने बोला आज विहार है तू मत कर मत कर। तो मैंने बोला साहेब जी हो जाएगा, पहले किया था तो अभी भी हो जाएगा, भगवान के आशीर्वाद तो है ही है, आपके भी आशीर्वाद है तो मेरा हो जाएगा। साहेब जी ने मेरे को आशीर्वाद दिए ठीक है तू कर लेना। 12 बजे मेरे को पचकान दिया, सुबह 12 किलोमीटर विहार किया। फिर साहेब जी ने मेरे को बोला हाथ जोड़ तेरे को मैं उपवास का पचकान देता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं। उन्होंने तो ना ही बोल रहे थे लेकिन मैं फोर्स कर रहा था कि मेरे को उपवास करना ही है। उपवास किया मेरे को अच्छा लगने लगा, सब साहेब जी का उपवास था उस टाइम, सबका उपवास था उस टाइम। कोई व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी कि सबका उपवास ही था। फिर नेक्स्ट दिन साहेब जी ने बोला अभी पचकान के पहले बोला कि नेक्स्ट दिन तो 8 किलोमीटर यार फिर ही भोजन मिलेगा। तो भी मेरा साहेब जी के ऐसे आशीर्वाद थे कि मैं ऐसा डर रहा कि मैंने बोला अभी पचकान दे ही दो, तो उन्होंने मेरे को पचकान दिया। वो दिन कैसे बीत गया मेरे को पता ही नहीं चला। बात बात में सामायिक में
टाइम कैसे चला गया पता नहीं चला। सुबह मैंने सरजी को बोला मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, मैं बहुत मेरे को ऐसा मैं तो एकदम कमजोर पड़ गया। तो सर जी ने बोला अभी तूने मेरे को वादा दिया था तेरे को 8 किलोमीटर वादी तेरे को वियर करना ही पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं था तो मैं वियर किया। वियर तो अच्छे से होने लगा। फिर 1:30 को भोजन आया हमारा 1:30 को। उस टाइम प्रार्थना किया तो मम्मी ने मम्मी को फोन किया कि मम्मी को मम्मी ने ऐसा बोला तेरा अच्छे से हो गया उपवास। तो मैंने बोला अच्छे से हुआ। अब मम्मी ने बोला अभी से मैं रोज सुबह 5 को उपवास करूंगा। अभी से अभी तक मेरा उपवास चालू है। फिर बल्लारी पहुंचे। बल्लारी में मैंने जो संयम के जो सूत्र बाकी थे वो पूरे सूत्र किए। समन सूत्र 10 व्याकरणिक सूत्र, समन सूत्र निशी निशी मतलब जो संतार पहुंचे सूत्र सब सीखा। फिर उस टाइम बल्लारी में मेरे को भाव आए थे कि अभी मैं दीक्षा ही लूंगा। मैंने पप्पा को थोड़ा थोड़ा मनाने लगा। ऐसी बात चलती रही और मैंने ऐसा ठान लिया मैं मेरा मुहूर्त नहीं होगा तब तक मैं घर पे जाऊंगा ही नहीं, मेरे घर पे एक भी कदम नहीं रखूंगा। मेरे जाऊंगा तो मुहूर्त लेके ही जाऊंगा। मेरे हाथ में जो मुहूर्त का कार्ड होगा वही मैं घर पे लेकर जाऊंगा, उसको उसकी फ्रेम बनेगी फिर मैं आऊंगा। ऐसा था। फिर बिया फिर से बल्लार से स्टार्ट हुआ। फिर से सब सब बिया चालू हो गया। फिर से हम बीजापुर पहुंचे। बीजापुर में मैं रहने लगा तो साहब जी की बात चलने लगी मेरे से कि तेरे को इस साल में 2021 में ही होगी। मेरे को बोलने लगे। मैंने साहब जी को बोला हो जाएगी देखना एकदम हो जाएगी। मेरा तो भाव आ गए। मम्मी पापा तो ऐसे रेडी हो जाएंगे उनको आप तो आपके ऐसे आशीर्वाद देंगे पूरी फैमिली तो एकदम एक झटके में आशीर्वाद दे देंगे मुहूर्त के। तो पप्पा वो सब आए और बोल साहब जी बात करने लगे। तो साहब जी ने पप्पा को बोला कि इसको भाव आ गए हैं तो आप इसको दीक्षा दे ही दो। तो पप्पा ने मेरे को हाँ बोला और मम्मी ने भी हाँ बोला, पूरी फैमिली ने हाँ बोला। तो मेरा मुहूर्त का टाइम फिक्स हुआ 16 सितंबर को मेरा मुहूर्त निकला। मुहूर्त के बाद मैं 16 तारीख को ही शाम को आ गया था। साहब जी को मतदान करके बोला कि मैं दिसंबर 1 को मैं फिर से आ जाऊंगा, सब कार्यक्रम करके फिर से आ जाऊंगा। मेरे को पता है कि साहब जी को मेरे बिना अच्छा नहीं लगता, मेरे बिना उनको लगता कि अकेला पड़ गया। साहब जी को मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा कि साहब जी मेरे बिना कैसे रहते होंगे। इतना लाड करते थे, इतना प्रेम देते थे, माँ के जितना प्रेम और वात्सल्य देते थे गुरु माँ। इसलिए तो उनको बचपन में माँ और जवान में गुरु माँ और बूढ़े में परमात्मा ऐसा सिखाते थे। और मेरे को तो गुरु माँ अभी मिल ही गए तो जल्दी से जल्दी तो मुहूर्त निकल गया था तो सब कार्यक्रम चलने लगा। फिर जीवाना में आके 3 दिन का प्रोग्राम हुआ। उस टाइम सुरेश भाई और उनके टीम ने मेरे को वो अच्छा से अच्छा सब संगीतकार बुला के मेरा बहुमान कराया, अच्छे से अच्छे सब कराया। उनका मैं आभार मानता हूँ कि आपने इतना सब किया मेरे लिए। और अब मेरे तो पहले तो टेंशन था कि जीवाना में कहाँ से ढोल मंगाए, कहाँ से कोई संगीतकार मंगाए। पप्पा को टेंशन आ रहा था। मेरे उत्तम भाई एक भाई है, मेरे बुआ के बेटे हैं वो मेरे भाई है। उन्होंने मेरे को बोला कि मुंबई से मंगाते हैं, चेन्नई से मंगाते हैं। पप्पा को उनका बिल बताया 3 लाख 2 लाख 4 लाख ऐसे से। लेकिन पप्पा को तो ऐसा लगा अभी कार्यक्रम कैसे करेंगे। कि साहब जी को बोला कि अभी कार्यक्रम करना कैसे जीवाना में। तो सूरज भाई का नाम आया। सूरज भाई ने तो ऐसा बोला कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे टीम को पैसे दे देना, लेकिन आपका कार्यक्रम अच्छा रहेगा क्योंकि उनकी बेटी भी जल्दी से जल्दी दीक्षा लेने वाले हैं। वो तो रोज बहुत सारे जैनों के प्रोग्राम किए हुए हैं। उनका भी ऐसे भाव है कि मैं भी जल्दी से जल्दी दीक्षा लूं। ऐसे ऐसे उनके ऐसे ऐसे मित्र है वो मेरे भरत भाई ऐसे ऐसे मित्र है वो मेरे लिए इतने अच्छे से गाने सब सुनाने लगे। मेरे को भी एक बार ना पास मेरे किसी के सिंगर का शौक था कि उनके पास मैं फोटो खिंचाऊं और उनके भी मैं गाने सुनूं। आज मेरा वो
वो संकल्प पूरा हो गया, वो सिर्फ सूरज भाई के दिन के कारण हुआ। मैं आपका सबका आभार मानता हूँ कि आप इधर पधारे और मेरा इतना से अच्छे प्रोग्राम किया। आप सब ने भी इधर आके खूब खूब मेरे को पोषण दिया है, तो मैं आपको आपका खूब खूब आभार हूँ। मेरी दीक्षा परम पूज्य आचार्य देव श्रीमान रत्नसेन सूर्य जी महाराज के सानिध्य में बीजापुर की धन्य धरा पर 13 दिसंबर मकसूद शुभ दशम को होगी, दीक्षा होगी। आप सब पधार कर मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपना आत्मा कल्याण करके करके जल्दी से जल्दी मोक्ष पद को प्राप्त करूं। जिना गया वे कुछ कहा हो तुम इच्छा हूं। एक बार जोरदार ताली बजा करके रोना कर दीजिए।